इस वीडियो में हम देखेंगे खट्टी मीठी आम की चटनी कैसे बनाते हैं। इसको आम की लौंजी भी बोलते हैं। 250 ग्राम कच्चे आम लिए हैं। आम को सबसे पहले छील लेंगे। आम को छील के इस तरीके से लंबे लंबे पीसों में काट लिया है। चटनी बनाने के लिए एक कढ़ाई ली है, इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच मेथी, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ, 1/2 छोटा चम्मच जीरा। सभी को अच्छे से भून लेंगे। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेथी, जीरा और सौंफ अच्छे से भून गए हैं, अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी। हल्दी को भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे स्लाइस किए हुए आम। अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। आम में ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, स्वादानुसार नमक। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को अब लो कर देंगे। लो फ्लेम पे ही मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आम और सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी। पानी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे ही आम को ढक के पकने देंगे। आम को बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि आम हर तरफ से सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं आम को पकते हुए। आम को काट के चेक कर लेंगे। देखिए आम आसानी से कट रहा है, यानी कि ये अच्छे से पक गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे 200 ग्राम गुड़। गुड़ को बारीक बारीक तोड़ लिया है। गुड़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ को इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से पकने देंगे जब तक इसकी चाशनी गाढ़ी ना हो जाए। गुड़ डालने के बाद चाशनी में उबाल आ गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए। चाशनी को अच्छे से गाढ़ा होने देंगे। देखिए चाशनी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अभी चटनी ठंडी होगी तो चाशनी और गाढ़ी होगी। इस चटनी को आप फ्रिज में स्टोर करके 1 महीने तक रख सकते हैं। देखिए आम की कितनी अच्छी लौंजी बन के आई है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आम की खट्टी मीठी चटनी या आम की लौंजी सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।